हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो करते हैं आप सभी अपने घर में बढ़िया होंगे। तो फिलहाल अभी 7:15 हो चुकी है और भाई बाहर का मौसम मस्त हो रहा है एकदम। तो इधर की लाइट जलाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम जा तो बाहर ही रहे हैं ना। और ये देखो, मम्मी ने अलग ही सही पेड़ बना दिया और ये भाई ये उग रहा है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से। और देखो बाहर का मौसम एकदम गजब हो रहा है, गजब एकदम खतरनाक जैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है भाई, रात का मौसम अच्छा लगता है। गाइस, सो गाइस, अभी भाई कर रहा है पढ़ाई, मतलब काम वाम कर रहा है थोड़ा फोन वोन से, क्योंकि उसके दोस्त ने भेजा था उसे काम, तो इसलिए वो फोन से कर रहा है। और भाई मैंने अपना सारा काम कर लिया था तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग ही बना लेते हैं। तो अभी मैंने अपना हिंदी का काम कर लिया, साइंस का काम कर लिया, SST का काम कर लिया। और गाइज, मैं एक बुक लाई थी अपने स्कूल से जो कि इतनी मोटी है, इतनी मोटी है। और गाइज मस्त है एकदम मस्त। देखो इसमें बर्थडे बर्थडे वाला भी है। अच्छी बुक है, काफी मैंने पढ़ी भी। इसमें मतलब हॉरर स्टोरीज भी है, अच्छी अच्छी स्टोरीज है इसमें, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज। मतलब मैंने इसमें कुछ एक डाल रखी थी पिन, सो मैंने उसे आधे से ज्यादा पढ़ लिया, मतलब मैंने यहाँ तक पढ़ लिया पूरा। अब मैं पढ़ूंगी आगे, आगे के बाकी क्या होगा। और मैंने इसमें 3-4 स्टोरीज तो पढ़ी ली है, कुछ मैंने स्कूल में पढ़ ली थी, कुछ मैंने घर में पढ़ ली। और गाइस मैंने एक नया पेन लाई थी, मैं अपने लिए पता नहीं कहाँ गिर गया वो, गेरा OX पेन। सो इसको मैं आपको स्पिनिंग करके दिखाती हूँ। सो गाइस, बहुत लोगों का कमेंट आ रहे थे कि आप स्पिनिंग कैसे करते हो, तो हमें ट्रिक बताओ, तो ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ। तो मैंने सोचा ट्रिक बता देते हैं। तो गाइज उसके लिए सबसे पहले आपको एक नॉर्मल हल्का भारी जो पेन है ले लो। वैसे मेरे हिसाब से तो आपको स्केच पेन या फिर बड़ा टेप से लगा हुआ पेन लेना चाहिए, इससे ज़्यादा तो मैंने टेप से लगा रखा है। पेन फाइटिंग में भी काम आएगा ये और स्पिनिंग में भी काम आएगा। तो स्पिन ऐसे करते हैं, देखो गाइज। अब इसकी ट्रिक ये है, ये और ये ऐसे रखना है, इस पे घुमाना है और इस पे घुमाना है, फिर इस पे घुमाना है, फिर इस पे घुमाना है, और ये हटाते रहनी है दोनों उंगली, तो फिर ऐसे हो जाएगा। हम इसे ये हम इसे फास्टिंग में करेंगे, देखो फास्टिंग में, ठीक है। तो अगर आपको ये भी ट्रिक नहीं समझ में आती तो मेरे को कमेंट में लिख के बताना कि और कोई मैं फिर ट्रिक देखूंगी आप लोगों के लिए। और कहीं भी मैंने स्कूल से कुछ बनाया था हैंगर लाइट वाला, और भाई मैंने गलती से इसे बैग में रख दिया था, ये थोड़ा ऊपर वाला मतलब थोड़ा थोड़ा मुड़ गया, पर अभी मैं इसमें लाइट डालूंगी। और गाइस यहाँ नीचे वो एक शीट लगाऊंगी, और ये जो स्प्रिंकल्स है मतलब जो स्ट्रिप है जो नीचे लगी हुई है वो भी लगाऊंगी मैं अभी। और गाइस आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप बहुत कम व्लॉग बनाते हो, तो मैंने सोचा आज ज़्यादा बनाएंगे। और ये मेरा छोटा भाई दिवाली के घर छोड़ेगा, 4 साल का है, तो चाची का लड़का है ना, तो घर नहीं छोड़ गया भाई। चाची दिमाग पे रखो, दिमाग पे, और भाई वीडियो शूट करता है ऐसे, आई एक बार भाई के दिमाग पे मारता है, देख सकते हो। ये भाई तो भाई ये देख रहा है गेम अभी, क्योंकि इसकी पढ़ाई हो चुकी है 1 घंटे से, 3-4 घंटे हो गए। कान में मार दो, इधर मार दो दिमाग पे। तो भाई गाइस अभी मस्त मंदिर सजा दिया है, और भाई मस्त लग रहा है एकदम। अभी अभी जस्ट पूजा हुई है, और ये तो करवा चौथ का स्टिकर्स है, और बाकी ये करवा चौथ का पीछे स्टिकर्स है, ये औरत जल चढ़ा रही है, और ये चांद है करवा चौथ। तो गाइस करवा चौथ आपकी कैसी गई? मतलब आपके नहीं, मतलब आप तो बच्चे ही होंगे ना अभी, मतलब जो भी बड़े बड़े होंगे आपके मम्मी पापा उनकी जैसी भी यही बता देना मुझे, वैसे मेरे को जान के करना का है। और गाइस मैं कुछ दिनों पहले मैंने स्पीकर मंगाया था, वो भी आप इसकी रेट गेस करो, मेरे को कमेंट में बताओ। चलो मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो गाइस ये है 1000 रुपीज का। एंड गाइस मतलब ये इससे नॉर्मल स्पीकर की तरह है, तो ये तो इसका चार्जिंग पॉइंट है,
और ये इसका ऑन ऑफ पॉइंट है, ये इसका आवाज़ बढ़ाने का पॉइंट है, होल्डिंग का पॉइंट है, और ये माइनस मतलब जो आवाज़ को माइनस करना है मतलब कम करनी है आवाज़, तो ये उसके लिए। तो गाइस मैं नॉर्मली इसमें गाने चला देती हूँ और अपना डांस वांस कर लेती हूँ, आराम से मज़ा आ जाता है। मतलब इसकी आवाज़ भी सही है, मतलब ठीक था, नॉर्मल साइलेंट आवाज़ है इसकी, मतलब सही है, नॉर्मल फ़ोन से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये काम करता है। तो गाइस अभी मैं और ये मैं लाई थी 80 रुपये का, जो कि भाई इतना मस्त है ना, और भाई इसका मैं कप प्लेट निकाल के दिखाती हूँ आपको, और भी बढ़िया है कप प्लेट निकाल के, यहाँ निकल नहीं रहा यार गाइस, रुक जाओ कप प्लेट। ओ भाई ये देखो इतना बढ़िया लग रहा है यार, और यार ये फंस जाता है ना इसलिए गुस्सा आता है गाइस। और बाकी वाईफाई, ये वाईफाई है, एंड गाइस ये है, ये भी मैं हूँ और ये भी मैं ही हूँ, पर मेरी दोनों फोटो अटैच की गई है, इसलिए कैसे दोनों में से कौन सी फोटो अच्छी लग रही है जल्दी कमेंट में लिखना। ये गणेश जी की फोटो, जय गणेश, अगर मैंने गणेश जी बनाए थे जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने मेरी काफी सारी वीडियोस में भी वो देखे, ये देखो कितने मैंने गेट पे चिपका रखे, मस्त लग रहे हैं, इनके सूंड भी और इनके आईज रैशेस, मतलब आईज बहुत अच्छी लग रही है, आईज मुकुट सभी अच्छा लग रहा है, एंड मैंने इसे बनाया था स्कूल में, और ये भी मैंने बनाया स्कूल में, मतलब मेरी एक और दो एक्टिविटी दोनों गेट पे चिपकी हुई है। और गाइस वैसे आप मुझे कमेंट पे लिख बताना, बर्फ खाते हो बर्फ, मतलब नॉर्मल फ्रिज से निकाल के, और भाई ये दिन का पुलाव बचा हुआ है, भाई हमने तो कुरकुरे और बिस्किट खा लिए थे, हमें पुलाव की तो भाई कोई जरूरत नहीं है। और ये भाई है केले रखने का बनाना हाउस, तो मैं खोल के दिखाती हूँ, ऐसे खुलता है गाइस, और इसमें बनाना रख सकते हैं और खा भी सकते हैं निकाल के। और ये है इमोजी पाइप, ये इमोजी पाइप जिससे हम पानी कोल्ड ड्रिंक ये सब पी सकते हैं। और ये है यूनिकॉर्न स्पून जिससे हम मैगी पास्ता ये सब खा सकते हैं गाइस, एंड और भी है मेरे पास यूनिकॉर्न के 4 है, तो जिसमें से मैं 2 यूज करती हूँ क्योंकि बाकी 2 छोटे हैं ना, पर कोई नहीं मैं उसे कभी कभार यूज कर लेती हूँ गाइस। और बाहर देखो कितना बढ़िया लग रहा है, मस्त कबूतर बैठा आराम से, और गैस किस किस को मून वॉक आती है कमेंट में लिख के बताना, मेरे को थोड़ी बहुत आती है, मैं वो आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे करते हैं। सो ये हमारे टिफिन्स रखे इधर, और गैस आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने अपना एक क्यूब तोड़ दिया, तो पता नहीं हो रखा दिया कि नहीं, तो मैं आपको एक खजाना दिखाती हूँ, ये देखो गाइस मेरे पास माइक भी है, इससे मैं सिंगिंग करती हूँ, और ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होता है, और ये हमारे पेंस है जो कि अलमारी में रहते हैं क्योंकि मम्मी देख दुख के देती है ना, और भाई खजाना मेरे को अभी मिल नहीं रहा है, मतलब मुझे ट्रायंगल क्यों नहीं मिल रहा गाइस, तो इसलिए ट्रायंगल क्यूब का मैं देखूंगी बाद में कि आपको दिखा सकूं। तो गाइस और कोई सस्ती टी-शर्ट, ये आपको कैसा लग रहा है दोनों में से जो अच्छा लग रहा है कमेंट में बताना, वैसे मुझे पता है आपको गणेश अच्छे लगेंगे क्योंकि इसकी नीचे की डिजाइनिंग अजीब सी हो गई, पर कोई नहीं मेरे को तो अच्छा लग रहा है फिर भी, क्योंकि मैंने इसे बैग में रख दिया था ना गाइस, तो भाई चलो यहाँ पे ब्लॉग, सो गाइस चलो यहीं पे व्लॉग करते हैं, एंड जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तकले थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।